तो अलीगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शराब पीने से 4 से 5 लोगों की मौत हुई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो शराब से मौत का मामला उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अलीगढ़ से खबर है जहां पर शराब पीने के बाद 4 से 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है और जांच की जा रही है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जांच होगी तो ठीकरा पीने वालों पर ही फूटेगा हमेशा की तरह। न तो आबकारी विभाग का कुछ होना है, न तो पुलिस प्रशासन का कुछ होना है, अगर कुछ हुआ भी तो 1-2 कांस्टेबल निपटा दिए जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर अलीगढ़ से, और सवाल पूरी व्यवस्था पर उठ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में शराब पीने के बाद मौत का मामला कब थमेगा, जहरीली शराब के धंधे पर आखिर लगाम कब लगेगी और कौन इन्हें पाल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता प्रदीप फोन लाइन पर है। प्रदीप बताइएगा, पुलिस मौके पर है सुबह से ही जब से ये घटना हुई है, क्या अपडेट है पूरे मामले में और जांच के बाद क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, पुलिस के सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और खैर लोधा थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये कई गांव, 4 से 5 गांव है जहां पर ये घटना हुई है। जानकारी मिली है जो लोगों से बात की है, गांव के लोगों से, उन्होंने ये बताया कि शराब की खरीद की गई थी इन लोगों के द्वारा जो सरकारी दुकान है वहां से, और उसके बाद से इनको उल्टी और बेहोशी की शिकायत हुई और अचानक से ये लोग मरने लगे। तो ये एक गांव का नहीं, करीब 4 से 5 गांव का मामला है जहां पर ये मौतें हुई है। पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। जी जी हाँ, तो आप बता रहे हैं कि अब तस्वीर स्पष्ट हो चली है, शराब से ही कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है इन मौतों का। इन्होंने एक दुकान से शराब खरीदी थी और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालांकि इससे पहले प्रदीप, जब आपसे हमने अपडेट लिया था तो आपने बताया था कि अब से पहले जहरीली शराब से मौतों के मामले यहां पर नहीं आए हैं, ये हाल ही में आए हुए मामले हैं, वो भी तब जब बीते दिनों काफी ड्राइव चली है, ऐसे माफियाओं पर कार्रवाइयां हुई हैं, छापेमारी हुई है, लेकिन कोरोना के बीच में एक बार फिर से जहरीली शराब से जुड़े हुए केसेस सामने आ रहे हैं। क्या कह रही है फिलहाल पुलिस, कौन दोषी है? देखिए, पुलिस तो अभी पूरे मामले में जांच की बात कह रही है, और जैसा ऐसा भी देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी संख्या सीमित हो गई हो, अभी और भी जो पेशेंट है वो निकल रहे हैं इस तरह के और उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। हो सकता है कि संख्या जो है मौतों का वो बढ़ जाए आंकड़ा, लेकिन अभी मैं एक चीज और आपको बता दूं, कुछ दिन पहले से ही जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे अलीगढ़ में, पूरे उत्तर प्रदेश में, वहां पर शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी और 11 बजे से लेकर पहले 3 बजे तक, और उसके बाद समय सीमा बढ़ा दी गई थी। तो लोगों को जो है वहां पर शराब पीने को मिली, उन्होंने दुकान, सरकारी दुकान से शराब खरीदी, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं गाँव के लोग, और उसके बाद ये मौत हुई है। अब बहरहाल पुलिस जो है वो जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की बात कह रही है। जी, जिस दुकान से इन्होंने शराब खरीदी थी उस पर कोई कार्रवाई हुई है? वहां जाकर कुछ सैंपल लिए गए हैं, जांच की गई है? अभी देखिए, पुलिस दोनों तरफ काम कर रही है। वहां पर सबसे बड़ी प्राथमिकता पुलिस को यह है कि जो लोग उसके पीड़ित है वो उनको पहले अस्पताल पहुंचाया जाए और उनको पहले संख्या को नियंत्रित किया जाए, ये सबसे पहली प्राथमिकता यहां पर, और पुलिस अभी पूरे मामले पर जांच कर रही है। जैसे जैसा हुआ था आपको अपडेट करा दिया जाएगा। बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि जिस जगह से इन्होंने शराब खरीदी थी उस पर कोई कार्रवाई हुई ऐसी कोई ठोस जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। 4 से 5 लोगों की मौत की खबर है, सभी लोग अलग अलग गांव के हैं, और आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि लगातार बीमार पड़ने वालों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है, कुछ की हालत गंभीर भी बनी हुई। और देखिए किस तरह परिवारों में मातम पसरा है जहरीली शराब पीने से, जो अभी तक कहा जा रहा है कि जहरीली शराब इन्होंने पी ली किसी दुकान से खरीद के और उसी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। पुलिस हालांकि जांच कर रही है, 4 से 5 लोग हैं जिनकी अब तक मौत हो चुकी है, अलग अलग गांव के ये लोग हैं, और शराब पीने से मौत जो है फिलहाल दोनों को जोड़ करके देखा जा रहा है। मौके पर पुलिस की टीम तैनात है इस वक्त। प्रदीप हमारे साथ बने हैं। प्रदीप, आप बता रहे हैं कि अलग अलग गाँव से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या ये मुमकिन है कि इन्होंने एक ही दुकान से शराब खरीदी थी, या दुकानें भी अलग अलग हो सकती हैं? देखिए, संभावना तो यही जताई जा रही है कि उन्होंने एक ही दुकान से शराब खरीदी थी, क्योंकि जो यहाँ जो गांव है ये आसपास के ही गांव लगे हुए हैं, और इसमें जो शराब की दुकान है वो कॉमन दुकान है आसपास, क्योंकि एक लिमिटेड दायरे के में ये शराब की दुकानें खोली जाती हैं। तो संभावना ये है कि एक ही दुकान से खरीद गई, लेकिन पूरे मामले में पुलिस दरअसल अभी जांच कर रही है, उसके बाद बिल्कुल जांच चल रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि ठीक ऐसा ही मामला प्रयागराज में आया था, जहां पर सरकारी जो शराब की दुकान है वहां से शराब खरीद कर लोग मरे थे। तो ये घटनाएं अगर बार बार हो रही है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंबार लगा हुआ है। प्रदीप, सवाल ये है कि क्या ऐसी घटनाओं से पहले आबकारी विभाग सोता रहता है, अधिकारी सोते रहते हैं, कभी कोई झांकने जाता है इधर कि नहीं जाता है?
देखिए सबसे बड़ा आय का स्रोत मैं अगर कहूँ आपसे तो ये शराब का ही है, क्योंकि सबसे पहले अगर कहीं लॉकडाउन की बात की खोली गई तो वो शराब की दुकानें खोली गई जिससे उनका रेवेन्यू सरकार का निकले। तो इसके बाद लोग जो है वो आपने देखा होगा कई जगह के दृश्य मिले जहाँ पर लोगों ने लंबी लंबी लाइन लगाकर शराब खरीदना शुरू किया था। लेकिन पुलिस जो है अभी मामले पर जांच कर रही है कि आखिर ये शराब जो दुकान थी वो कहाँ से लेकर आया और शराब में क्या क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से बीमार हुई, तो पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है। उसके बाद बिल्कुल जांच चल रही है, कार्रवाई होगी, मौतें होती रहेंगी जिलेवार, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। शुक्रिया प्रदीप, नजरें बनाए रखिएगा। तो अलीगढ़ में शराब पीने के बाद 4 से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। हमेशा की तरह जांच चल रही है, हमेशा की तरह उम्मीद करिए कि 1-2 लोग कार्रवाई के शिकार होंगे, लेकिन बड़े अफसरों पर आँच नहीं आएगी और जब हाकिमों पर आँच नहीं आती तब व्यवस्था नहीं सुधरती। और इस वक्त फोन लाइन पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सीएमओ अलीगढ़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इन लोगों की जो मौत हुई है उसको लेकर अभी कोई ठोस नतीजे पे किस कारण से इनकी मौत हुई, क्या जहरीली शराब ही इन्होंने पी थी जिससे इनकी तबीयत बिगड़ी है? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये ओवरडोज भी हो सकती है, जहरीली भी हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी रिपोर्ट जो आ रही है उनका कहना है कि ठेके से लेके पी है। तो अभी ओवरडोज है या जहरीली है इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कनेक्शन शराब से ही है ये तय है मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। हाँ, प्राइमरी रिपोर्ट में ही लग रहा है कि कनेक्शन शराब से ही है। शिवो साहब, एक सवाल और भी है, क्या ये कैसे तय हो पाएगा कि ओवरडोज की वजह से मौत हुई या फिर शराब ही जहरीली थी, क्योंकि भले ही ठेके से ली गई है, ऐसी ही तस्वीर प्रयागराज में आई थी जहाँ पर कईयों की मौत हुई थी और कईयों की आँख की रोशनी गई थी, उन्होंने भी ठेके से ली थी। तो ये तो जांच का विषय है, इसमें देख बताया जाएगा जब उसके बाद जो केमिकल एनालिसिस होगी या जो क्लिनिकल सिम्टम्स के बाद बेस पे जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो उस बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल मेडिकल कॉलेज को हम लोगों ने अलर्ट पे रखा हुआ है, 5-6 केस वहाँ पे रेफर हो गए हैं, बाकी 2-3 केस और आए हैं मलखान सिंह में, अब उनकी मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, है ना जी। सर, इससे पहले भी क्या ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर लोगों की डेथ शराब की वजह से हुई हो इस इलाके में? इस इलाके में भी कोई, जब से मैं यहाँ पे हूँ लगभग 14 महीने मेरे को भी यहाँ हो गए, अभी इस इलाके में ये पहली घटना इस तरह की मेरी संज्ञान में आई है। क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है इसी केस से जुड़े हुए? मैम अभी जरा मेरे को साइट पे जाने दीजिए, फिर मैं वहाँ से देख के तब आपको बताता हूँ, ठीक है? थैंक यू, जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सीएमओ अलीगढ़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और उनका ये कहना है कि वो भी पहुंच रहे हैं और बाकी की जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अभी तक जो फैक्ट निकल कर सामने आया वो ये कि शराब से ही कनेक्शन है मरने वाले लोगों का। हालांकि किस कारण डेथ हुई, क्या उन्होंने ज्यादा शराब पी ली थी या फिर जहरीली शराब थी, इसको लेकर फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं। दूसरी तरफ पुलिस मौके पर तैनात है और कहा यह भी जा रहा है कि मुमकिन है मरने वालों का आंकड़ा बढ़ जाए। इस सवाल का तो स्पष्ट जवाब नहीं दिया सीएमओ ने कि क्या कुछ और लोग भी हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि कुछ और भी लोग हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है। एबीपी गंगा से बोले हैं सीएमओ भानु प्रताप, शराब की ओवरडोज या जहरीली इसकी जांच अभी चल रही है। एबीपी गंगा से बातचीत की उन्होंने फोन लाइन पर और कहा है कि अभी मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है कि ये मौतें जो है ये ओवरडोज शराब की वजह से हुई है या फिर जहरीली शराब की वजह से। बिल्कुल आस्था, और बस यही सरकारी कुछ टर्म्स होते हैं कि अगर शराब जहरीली है तो ओवरडोज बता दीजिए, मतलब सारा ठीकरा मरने वालों पर फोड़ दीजिए, अफसरों का कुछ होता नहीं है। बदायूं की बात करिए, बुलंदशहर की बात करिए, अलीगढ़ की बात करिए, प्रयागराज की बात करिए, फतेहपुर की बात करिए, और डीएम चंद्रभूषण सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये जो जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आ रहा है, ये शराब जहरीली थी, ओवरडोज था, क्या वजह थी, क्या स्पष्ट हो पा रहा है? जो प्रथम दृष्टया अभी जानकारी में आया है जी, ये है कि गांव करसुआ के पास एक शराब का ठेका था, सरकारी शराब का ठेका, और वहां पे हमारा इंडियन ऑयल का गैस प्लांट है, वहां बहुत सारे टैंकर और बहुत सारे लोग काम करते हैं। शाम को इन लोगों ने वहां से शराब खरीदी है और खरीद करके पिया है, जिसमें 2 ड्राइवर की मृत्यु बताई जा रही है और 3 लोग और गांव के की मृत्यु बताई जा रही है, और 2 लोगों की कंडीशन खराब बताई गई, जिन्होंने शराब पिया है उनको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करा दिया है। लेकिन वहाँ पे लोगों ने ये भी कहा था कि अंडला गांव में भी एक व्यक्ति की डेथ हुई है, जिसके उन्हें हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, हालांकि उससे एक पुष्टि नहीं, अभी मतलब एक कंफर्म नहीं है कि वो शराब की वजह से है।
तो कुल मिलाकर के अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें 5 लोगों करसुआ गांव में और 1 अंडला में मृत्यु की सूचना है और अंडला की पुष्टि नहीं हुई है और 2 लोगों की कंडीशन खराब है, उनको मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया है। एक्साइज की टीम दुकान को सील करके उनका जो वो होता है हेलो मार्क होता है उसको मिलान कर रही है कि ये वही माल बिक्री कर रहा था जो उसको डिस्टिलरी से मिला था या कोई नकली सामान बेच रहा था अपनी दुकान से, उसकी पुष्टि होते ही हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक को हमने सील कर दिया, दुकान को सील कर दिया और जांच टीम में पूरी जांच कर रही है। एडीएम फाइनेंस को मैंने जांच अधिकारी बना दिया है, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को वो गाँव में ही है और SDM कोल भी मौके पर है, SDM खैर भी है, ये लोग पूरी तहकीकात करके ये रिपोर्ट दे रहे हैं। जी हाँ, तो अभी स्पष्ट आंकड़ों में बात करें तो अपडेट आपने किया कि 6 लोगों की मौत की खबर है और 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी हुई है जिनको मेडिकल कॉलेज में आप लोगों ने भर्ती करवाया है। जी। सर, इस पर कोई जानकारी है क्योंकि ये सभी लोग अलग अलग गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो क्या सभी ने एक ही दुकान से शराब खरीदी थी या फिर दुकानें भी कई हो सकती है? 2 दुकानें हैं, करसुआ में है, कंडला में, और दोनों एक ही व्यक्ति की दुकान है, एक ही ठेकेदार था, उसी की दुकान है, तो इसलिए दोनों दुकानों को सील कर दिया हमने, उनका स्टॉक भी सील कर दिया और उसका सत्यापन हम करा रहे हैं कि वो हमारा जो दुकान में सामान है वो डिस्टिलरी से जारी हुआ ही है या नकली कहीं से लिया करके बेच रहा था, इसकी अभी पुष्टि हो जाएगी, टीमें हमारी लगी हुई है जांच कर रही है। जी, तो आप बता रहे हैं कि जांच चल रही है, दोनों दुकानों को फिलहाल सील कर दिया गया है और दुकान में रखे हुए माल की जांच कराई जा रही है कि ये नकली था या असली था, लेकिन जैसा भी था ये लोगों तक पहुंचा और 6 लोगों की इसमें जान चली गई है। हालांकि आप बता रहे हैं कि जांच कमेटी बना दी गई, कब तक सर रिपोर्ट देगी, इसकी कोई टाइम फ्रेम आपने दिया है? इसके लिए इंक्वायरी है तो 1 सप्ताह, 1 पक्ष तो लगेगा ही पूरा जांच करके देने में, ठीक है, और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने ADM फाइनेंस को अधिकारी जांच अधिकारी नामित किया है। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। ABP गंगा से बातचीत के लिए अलीगढ़ के DM चंद्रभूषण सिंह हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े और उन्होंने बताया कि अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है इस शराब को पीने के बाद से। 2 लोगों की हालत गंभीर है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन दोनों दुकानों को भी सील कर दिया गया है जहां से इन लोगों ने शराब खरीदी थी और ये पता लगाया जा रहा है कि जो शराब इन लोगों ने पी, जिस दुकान से लेकर पी, क्या वो नकली माल था या असली था, कहां से खरीदा गया था, इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो कि मामले की जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद सौंपेगी।